यूट्यूब चैनल बार मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं में हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 1.6 दो समुच्चयों का सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, दो समुच्चयों का सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। जो आप इसको सबसे पहला एन ए यूनियन बी यानी ए और बी का संघ समुच्चय एन ए प्लस एन बी, बी में उपस्थित समुच्चय अवयव की संख्या माइनस एन ए विनिष्ठ बी में उपस्थित अवयव की संख्या। दूसरा इसका सूत्र है अपने पास, इसका पक्षांतर करेंगे इधर एन ए विनिष्ठ बी बराबर एन ए प्लस एन बी, ये इधर आ जाएगा माइनस एन ए विनिष्ठ बी, ये विनिष्ठ बी आ जाएगा जी अपने पास। तीसरा अपने पास है ये पूरक समुच्चय एन सात्विक समुच्चय माइनस ए उप समुच्चय, फिर इसके बाद अपने पास तीसरा ये सूत्र है चौथा एन ए यूनियन बी और यूनियन सी, तीन समुच्चय है तो इसका सूत्र बहुत ही स्पेशल है एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन यू विनिष्ट बी माइनस एन बी यू विनिष्ट सी माइनस एन यू विनिष्ट सी प्लस एन ए विनिष्ट बी विनिष्ट सी, ये हो जाएगा आपके। फिर आपके पास पांचवा ए तथा बी, ए तथा बी को आप ऐसे ले सकते हो ए विनिष्ठ बी ए या बी, ए या बी को आप ऐसे ले सकते हो ए यूनियन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, पूरी इकाई 1.6 इस पर आधारित है। तो आप देखो इसमें दो समुच्चयों का सम्मिलन और सर्वनिष्ठ आधारित हो ए यूनियन बी का नंबर ऑफ ए यूनियन बी ए में उपस्थित अवयवों की संख्या प्लस बी में उपस्थित अवयवों की संख्या माइनस ए बी में उपनिष्ठ अवयवों की संख्या, ए और बी में उपनिष्ठ अवयवों की संख्या बराबर ए में उपस्थित अवयवों की संख्या बी में उपनिष्ठ अवयवों की संख्या माइनस ए यूनियन बी की संख्या। समुच्चय ए में पूरक समुच्चय सात्विक समुच्चय के अवयव में से एक अवयव को कम, जब तीन समुच्चय दिया गया तब उनका विनिष्ठ या योग का सूत्र, योग का सूत्र आएगा अपने पास एक यूनियन बी यूनियन सी, ए में उपस्थित अवयव संख्या बी में उपस्थित अवयव संख्या और सी में उपस्थित अवयव संख्या, ए विनिष्ठ बी में उपस्थित अवयव संख्या बी विनिष्ठ सी में उपस्थित अवयव संख्या माइनस और माइनस ए विनिष्ठ सी संख्या प्लस ए विनिष्ठ बी विनिष्ठ सी, यह आएगा प्लस का ए तथा बी का मतलब होता है ए और बी, ए या बी ए यूनियन बी। और अपन इस सूत्र को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एक सूत्र इसको ए प्लस, तो अगर अपन इन सब सूत्र लेके जाए तो ये सूत्र आ जाएगा आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा एन ए वेनिश बी वेनिश सी, तो ये आपके पास इस प्रकार आ जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ए माइनस एन बी माइनस एन सी, ठीक फिर अपने पास आ जाएगा प्लस ए विनिश बी प्लस बी विनिश सी प्लस ए विनिश सी, यह आ जाएगा आपके पास इस सूत्र को कन्वर्ट करने के लिए। अब अपन ए यूनियन बी पूछे आपको तो ए रुपये अवयव संख्या बी दोनों रुपये अवयव संख्या कम कर देंगे, बस ए विनिश बी के अवयव संख्या पूछे तो ए रुपये अवयव संख्या बी रुपये संख्या माइनस
ये यूनियन को कम कर देंगे अपन, और एक पूरा समुच्चय यानी कि के नहीं तो मतलब सातवीं समुच्चय कैलो में से एक कैलो को कम कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी एन ए एन बी एन सी यानी ए यूनियन बी के रूप से माइनस माइनस बी यूनियन सी माइनस ए यूनियन सी प्लस ए यूनियन बी यूनियन सी इनके बाद देंगे ए तथा बी ए और बी ए या बी ए यूनियन बी ये आपके छह सूत्र है और ए यूनियन बी यूनियन सी एन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ए माइनस एन बी माइनस एन सी प्लस ए यूनियन बी प्लस बी यूनियन सी प्लस इसका सूत्र है। अब इन पर आधारित अपन प्रश्न करेंगे। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x बराबर 17 है और y बराबर समुच्चय है अवयव की संख्या 23 है और x यूनियन y अवयव की संख्या है 38, तो आप x वेनिश y जो उपस्थित हो जाए क्या इसका हल इस प्रकार है। ये आपको दिया गया है, दिया गया है n x बराबर 17, n y बराबर 23, n x यूनियन y बराबर ये है अपने पास, और अपने को ये ज्ञात करना है x वेनिश y ये ज्ञात करना अपने पास सूत्र है यूनियन का, ये अपने पास सूत्र है देखो n x यूनियन y बराबर n x प्लस n y माइनस n x वेनिश y अपने को ये ज्ञात करना है, इसका सूत्र आ जाएंगे n x वेनिश y बराबर n x प्लस n y माइनस n x यूनियन n x बराबर 17, n y बराबर माइनस 23 40 माइनस 38 बराबर आ गया 2 एन एक्स फिनिश्ड वाई एक्स फिनिश्ड वाई में उपस्थित अवयव की संख्या है एन एक्स बराबर 17 एन वाई बराबर 23 एक्स यूनियन वाई बराबर 38 एन एक्स फिनिश्ड वाई की संख्या क्या करेंगे, सूत्र है अपने पास यूनियन का x यूनियन y बराबर nx प्लस ny माइनस n वनिश y n वनिश y बराबर nx प्लस ny माइनस x यूनियन y 17 के 23 इसका मान माइनस 38 17 और 23 में 40 40 का मान 2। प्रश्न नंबर 3 400 व्यक्तियों के समूह कितने 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तथा का मतलब होता है और 400 व्यक्तियों के समूह में यानी टोटल व्यक्ति है 400 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, इसका लिए देखो ये आपको दिया गया तो आपके हिंदी बोलने वाले टोटल व्यक्ति है हिंदी और अंग्रेजी बोलने दोनों तो देखो आप बोलने वाले Thank you.
अपने पास 400 अपने को हिंदी और हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने वाले दोनों भाषा बोलने वाले उसकी संख्या पर गारंटी क्या आप देखो यूनियन वाला सूत्र है अपने पास एच बेनिस्ट ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई किया जाएगा अपने पास हिंदी बोलने वाले 250 इंग्लिश बोलने वाले की संख्या अपने पास है 200 अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं कुल व्यक्ति कितने जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं कुल व्यक्ति जो हिंदी बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं सभी का योग है अपने पास 400 व्यक्ति ये 250 अपने पास 450 माइनस 400 यहाँ बच्चे अपने पास 50 एच वेनिस्ट आपके दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोल सकते हैं दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोलने दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की 400 व्यक्तियों के समूह यानी कुल व्यक्ति 400 है जिसमें 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं दिया गया है हिंदी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 250 अंग्रेजी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 और कुल व्यक्ति जो हिंदी और अंग्रेजी कुल व्यक्ति की संख्या जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं यानी कुल व्यक्ति की संख्या 400 है हिंदी भी बोलेंगे अंग्रेजी बोलेंगे उनका संग आएगा और कितने व्यक्ति जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने में कुल व्यक्ति उसके 50 है और हिंदी और अंग्रेजी ये हिंदी भी बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं तो हिंदी अंग्रेजी कॉमन बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं वो क्या करना है दोनों उपनिष्ठ हिंदी और इंग्लिश का उपनिष्ठ बराबर हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी बोलने वाले और हिंदी अंग्रेजी दोनों का यूनियन तो हिंदी बोलने वाले 250 इंग्लिश बोलने वाले 200 कुल व्यक्ति यानी हिंदी अंग्रेजी का यूनियन यानी संघ कुल व्यक्ति की संख्या 400 250 और 250 450 450 हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्ति की संख्या है 50 बहुत बढ़िया प्रश्न है अपने पास और आपको भाषा है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए प्रश्न नंबर 6 70 व्यक्तियों के समूह यानी कुल व्यक्ति है 70 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है कम से कम एक पसंद एक पेय पसंद करता है यदि कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं तो आप इसका इस प्रकार दे सकते हो कॉफी पीने वाले व्यक्तियों को कॉफी ये आपके हल है इसमें ये दिया गया है दिया कॉफी पीने वाले कॉफी पीने वाले व्यक्ति शीशे और चाय पीने वाले पीने वाले अपने पास है 52 चाय और कॉफी यानी कुल व्यक्ति जो चाय कॉफी पीने वाले कुल व्यक्ति अपने पास है कॉफी यूनियन चाय 70 तो आपके पास कॉफी और चाय दोनों पीने वाले क्या करने हैं कॉफी वेनिश चाय क्या
14 साइन दोनों पिन और ज्ञात करने हैं, तो जगह अपने पास सी वेरी टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी कॉपी पिन वाले अपने पास है 37, साइन पिन वाले अपने पास है 52 माइनस कॉपी और चाय दोनों पीने वाले कुल व्यक्तियों से क्या है 37 और 52 9 2 7 2 5 9 माइनस कुल रुपये में से 70 गए अपने पास बचे 19 चाय और कॉफी दोनों पीने वाले व्यक्ति कितने अपने पास 19 है अपने पास कॉफी पीने वाले 37 चाय पीने वाले 52 कॉफी और चाय दोनों पीने वाले 70 है कॉफी और चाय दोनों पीने वाले क्या करना है कॉफी विनिश टी कॉफी टी और कॉफी यूनियन टी यानी 70 है 52 है 37 है 37 और 52 19 में 70 19 व्यक्ति है चाय और कॉफी दोनों कुल व्यक्ति का सत्तर है 70 एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते भाषा बोल सकते हैं कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं तो आप देखो एक कमेटी में फ्रेंच बोलने वाले ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले 50 एफ से स्पेनिश यानी एस भाषा बोलने वाले व्यक्ति की संख्या 20 प्लस व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं तो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं कितने व्यक्ति हैं यानी कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं यानी एफ यूनियन एस बराबर कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की ये क्या कहना सूत्र है अपने पास एन एफ यूनियन एस बराबर एन एफ एन एस माइनस एन एफ यूनियन एस फ्रेंच बोलने वाले 50 स्पेनिश बोलने वाले 20 दोनों बोलने वाले 10 ये हो गए 70 70 माइनस 10 ये आ गए 60 फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले दोनों व्यक्ति यानी कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति है कम से कम एक भाषा बोल वाले व्यक्तियों की संख्या व्यक्ति की संख्या अपने पास कितनी है 60 कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं यानी दोनों भाषा बोल सकते हैं यानी ये तो उपनिष्ठ जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों में से कॉमन दोनों बोल सकते हैं ये कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति की संख्या है कम से कम एक भाषा बोल सकते वाले व्यक्ति की संख्या है 60 फ्रेंच 50 स्पेनिश 20 दोनों भाषा बोलने वाले 10 है तो कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति से यानी दोनों भाषा बोल सकते हैं इसका मतलब टोटल फ्रेंच और स्पेनिश का यूनियन चाहिए अपने को एन एफ एन एस माइनस फ्रेंच स्पेनिश स्पेनिश 50 20 माइनस 10 70 में से 10 में 60 कम से कम एक भाषा बोल सकते वाले व्यक्ति से 60